ये विगत दिनों में थाना थरवई क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में एक ही परिवार के 5 व्यक्तियों की मृत्यु कारित की गई थी। उसमें तत्काल मुकदमा दर्ज करके 7 टीमें लगाई गई थी। इन 7 टीमों ने दिन रात अथक परिश्रम करके एक इंटर स्टेट हत्यारे लुटेरे गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके कुल 7 डकैत गिरफ्तार किए गए थे, जिनमें से 3 डकैतों के से पुलिस मुठभेड़ हुई थी और उनके पैर में गोलियां भी लगी थी। वो सभी को जेल भेजा गया था। इसी अनुक्रम में जो वैजानिल स्लाइड और स्वाब FSL फाफा माउट भेजे गए थे, उसकी जांच रिपोर्ट में दुराचार की पुष्टि हुई है। आपको अवगत कराना है कि पकड़े गए बदमाशों ने ये बात कबूली थी कि उनके द्वारा दुराचार भी किया जाता रहा है, दुराचार किया भी गया था थरवई वाले केस में, और उसी के तारतम्य में जो FSL फाफा माउट की रिपोर्ट आई है उसमें मानववीर पाया गया है। रिपोर्ट में पुष्टि हुई है दुराचार की, और उसी रिपोर्ट के आधार पर सुसंगत धारा जो 376 की धाराएं हैं, 376D की बढ़ोतरी की गई है, मामले में 396 की धारा लगाई गई है, 120B 201 की धारा भी लगाई गई है, आगजनी से संबंधित 436 IPC की भी धारा बढ़ाई गई है। तो जितनी भी सुसंगत धाराएं हैं सभी की बढ़ोतरी करते हुए सभी अपराधियों को इसमें जेल भेजने की कार्रवाई करने के उपरांत अब जेल में बंद जो अभियुक्त हैं माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके उनके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे, और उन ब्लड सैंपल के DNA को निकालते हुए जो वैजाइनल स्लाइड से DNA डेवलप हो रहे हैं उनसे मिलान करवा करके अकाट्य सबूत हासिल किया जाएगा, ताकि माननीय न्यायालय के द्वारा इनको कठोर से कठोर सज़ा पुलिस के द्वारा दिलाई जाए और लोगों को न्याय मिले।